नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा जिला में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ बरही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से अपील की कि एकता और अखंडता कायम बनाए रखें। वहीं आपको बता दें, दरभंगा जिला के एक गांव में दो समुदाय के बीच आपसी सौहार्द कुछ बाहरी लोगों ने बिगाड़ दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव ने लोगों से अपील की है। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के बरही गांव में पिछले दिनों दो समुदाय के बीच आपसी सौहार्द बाहरी लोगों और एक उन्मादी दल द्वारा बिगड़ गया था, जिसको लेकर आज जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव दर्जनों गाड़ियों के काफिलों के साथ एकता और अखंडता कायम करने के लिए बरही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बात करके उन्होंने अपील की कि हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो हमारे देश की एकता और अखंडता है उसको कायम कीजिए। आपस में छोटी छोटी को लेकर एक परिवार की लड़ाई को धार्मिक शक्ल देना गलत है। लड़ने से समाज काफी नुकसान होता है, उन्मादी भाग जाते हैं और बेकसूर को पुलिस तंत्र पकड़ना शुरू करती है, जो कि गलत है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो उन्मादी है उनको बख्शा ना जाए और जो बेकसूर है उनको अभिलंब विनाशक छोड़ा जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस दंगे की SIT जांच की मांग की और पटना जाकर DG से भी बात करूंगा। उसके बाद दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम खान उर्फ खान के समक्ष जिन जिन दुकानदारों का दुकान और मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, सबको पार्टी की ओर से 10,000 का आर्थिक सहायता किया जाएगा, ताकि फिर से वो अपना व्यापार शुरू कर सके। वहीं उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए आगे कहा कि सरकार को या प्रशासन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त झगड़ा हुआ उसी वक्त इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही चुनाव मौसम आते हैं वैसे हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है और इसका नतीजा है आज एकता और अखंडता पर उन्मादी लोगों ने जो चोट किया है। और मैंने SSP से बात करके ये आग्रह किया है कि जो लोग बेकसूर है उनको फौरन रिहा किया जाए और निष्पक्ष जांच कर केवटी थाना प्रभारी और SIT के संदिग्ध भूमिका की जांच कर बेकसूर को छोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। कंप्लीट एक राय है कि 12.25 करोड़ लोगों को 40 साल के गंदगी से बाहर निकाल कर इस बिहार को नंबर वन देना। चिराग भी बिहार को बचा सकता है। मैंने कांग्रेस से बोला, मैंने प्रशांत किशोर से मिला, जितने नमाजी का फोन आया तो मैंने उससे कहा क्यों नीतीश करते हो, वध तो तुम्हारा उसी ने किया। नरेंद्र मोदी को पहले कब कबूल नहीं, उसके पहले दशरथ मांझी कबूल नहीं, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर कबूल नहीं, जॉर्ज कबूल नहीं, देवीलाल कबूल, उसी चिराग या किसी की बात नहीं करो। 30 साल में जो लोग बिहार को नाश किए उससे अलग एक विकल्प, और उसमें मैं सबसे आग्रह किया और करूंगा। नया विकल्प जो न्यू एरा को जन्म दे, जहाँ जहाँ धर्म मजहब ना हो, जहाँ बिहार और बिहारी ही सिर्फ एक सवाल हो, कंप्लीट आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, रोजगार। मैं 6 महीने से सबको ये वो लोग हैं जिसने पटना को मरते छोड़ दिया था, अकेला पप्पू बचा। ये वो लोग हैं जिसने मुजफ्फरपुर को चिंकी में छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस में पूरे भारत में बिहार को छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। जाना उचित नहीं समझे, अकेला पप्पू, इनको रोकना, बिहार को बचाना। इनको जो बात हुई है, जो मेरी लगातार बातचीत हो रही है, मैं कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि आप बिहार को मारने की भूमिका ना निभाए, उबारने की भूमिका। मैं 1 साल पहले कहा था दलित और अत्यंत पिछड़ों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से।
पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।